इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ महिलाओं और बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने पहले प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, उसके बाद उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का पुलिस महकमा महिलाओं के साथ किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से पेश आता है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है, इसकी वानगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह वीडियो रीवा का है जहाँ एक पुलिसकर्मी एक महिला के साथ किस तरीके से अभद्रता कर रहा है, इसका पुख्ता प्रमाण है। और यह हालत प्रदेश के सिर्फ एक थाने का नहीं बल्कि अधिकांश थानों में पुलिसकर्मी आम आदमी के साथ इसी तरीके का बर्ताव करते हैं। आपको भी औकात दे के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? आपको भी औकात दे के बात करनी चाहिए। आप औकात की बात कर रहे हैं? औकात की बात कर रहे हैं हम? फालतू बात कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं बताइए? हम कब से बैठे हैं? कुछ बोले आपको? हाँ तो वीडियो बनाएंगे, हाँ लपटेंगे, हाँ मोबाइल दो, क्यों दो मोबाइल? नहीं दूंगी मोबाइल, चलो हटो, नहीं दूंगी मोबाइल, बताओ उसको हटाओ ना, जितने हम भेड़ देंगे तुम्हें बता दे रहे। अरे कपन जा काम करा, हम क्या कर देंगे, आप सोचे नहीं होगी। तू कुछ ना कपन बचाए यहाँ से, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाओ यार, इसको करवा ले जाओ, इसको जबरदस्ती का तमाशा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिलते ही वे यह मान लेते हैं कि उन्हें काम नहीं करना है बल्कि एक अच्छी खासी वेतन लेने के बाद जनता को जलील करना है, जनता को परेशान करना है, जनता को हैरान करना है। परेशान करने के मामले में पुलिस महकमा अव्वल है, इनके पास वर्दी रहती है, इनके पास आईपीसी की तमाम धाराएं ऐसी होती हैं जिसे यह किसी भी आम जनता के माथे में स्टिकर की तरह चिपका सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आवेदक ही मुलजिम बन जाता है। फिलहाल पुलिस महकमे की इस करतूत को देखते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि यह पुलिस थाना है या चोर थाना। बात बहुत बड़ी है लेकिन यह बात विपक्ष कर रहा है इसलिए उसका महत्व कम हो जाता है। सरकार यह कहती है कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है और करीब करीब राजनीति में यह व्यवस्था बन चुकी है कि जब कोई दल विपक्ष में रहता है तो उसे तमाम अव्यवस्थाएं नज़र आती हैं, लेकिन जब वही दल सत्ता में आ जाता है तो उसे तमाम अव्यवस्थाएँ व्यवस्था में तब्दील हुई दिखाई पड़ती हैं। मामा जी, थाने में आपकी भांजियों के साथ, आपकी बहनों के साथ इस तरीके का बर्ताव होता है और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, इसलिए वर्दीधारी लोगों के हौसले अपने आप बढ़ जाते हैं, उन्हें आपका मूक समर्थन जो मिलता है। अब यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि यदि यह महिला किसी पुलिस महकमे के अधिकारी की होती तो क्या पुलिस वाले इसी तरीके से व्यवहार करते, या यह महिला किसी राजनैतिक रसूख वाले नेता की रिश्तेदार होती तो क्या पुलिस वाले इसी तरीके से व्यवहार करते। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते हैं तो सत्तारूढ़ दल के नेता चुप्पी क्यों साध लेते हैं और विपक्षी दल के नेता इस पूरे मामले में कोई आंदोलन क्यों नहीं करते, या दोनों दल के नेताओं में कोई क्रिया प्रतिक्रिया तो दिखनी चाहिए। शायद यदि ऐसा होता तो पुलिस वाले इतने निरंकुश नहीं होते। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।